स्थापित करेगा, ये हमारे लिए गर्व और खुशी का विषय है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इसी तरह से हमेशा तरक्की करें अपने जीवन में और ऊंचाइयां प्राप्त करें। मंजा सिंह, परम आदरणीय महेंद्र भुसखेड़े जी, परम आदरणीय दादा निर्मल चंद जी, आदरणीय एवं बहुत ही प्रिय भाई साहब डॉक्टर सुरेश आचार्य जी और त्रिपाठी जी, जिनसे बहुत डर भी लगता है मुझे, ऐसे परंतु करा देने वाले भाई साहब समस्याओं के प्रति रहा है, लेकिन हिंदी साहित्य में
किसी भी विषय का किसी भी भाषा का साहित्य हो, दो तरह के लेखक होते हैं। एक वे लेखक जिन्होंने स्त्री की भेद की कमनीयता पर ध्यान दिया और रोमांसिज्म वाली रचनाएं लिखी, उसमें भेद की कमनीयता को उभारा गया और उस पर केंद्रित करके अपने भावों को व्यक्त किया गया। दूसरे तरह के जो लेखक थे उन्होंने स्त्री की उस कमनीय देह पर होने वाली प्रताड़ना को अपने रचना का केंद्र बनाया, अपने सृजन का केंद्र बनाया, अपने लेखन का आधार बनाया। इस क्रम में महेंद्र कुसरेले जी का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने स्त्री की जो प्रताड़ित अवस्था है उसको अपने रचनाओं का केंद्र बनाया। मैं यहाँ पर एक उदाहरण रखना चाह रही हूँ, आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगी कि जो उन्होंने उपन्यास लिखे, एक मात्र जो उनका काव्य संग्रह है वो उपन्यास और काव्य संग्रह सभी स्त्री पर केंद्रित है और उनके नाम भी स्त्री पर केंद्रित है। उनका जो काव्य संग्रह है स्त्री के 1000 नाम कहते, उस काव्य संग्रह से मैं एक उदाहरण यहाँ आपके सामने पढ़ रही हूँ। ये कविता जो है शीर्षक कविता है, इसी नाम पर पुस्तक का नाम रखा गया है कि स्त्री के लिए 1000 नाम कहते। ध्यान चाहूंगी आप सबका, बदचलन ठहराई यदि एक स्त्री से जो मैंने पूछा, बदचलन ठहराई गई एक स्त्री से जो मैंने पूछा तो उसने बताया, मध्य की मौत के बाद सरपंच को अपनी देह नहीं सौंपने के अपराध में, ध्यान दीजिए, सरपंच को अपनी देह नहीं सौंपने के अपराध में 9 कोस तक चरित्र की विख्यात कर दी गई है। चाहकर कोई जो नहीं पूछता उस चरित्र शिरोमणि से, इतना अच्छा शब्द उन्होंने रखा है कटाक्ष करते हुए, चाहकर कोई क्यों नहीं पूछता उस चरित्र शिरोमणि से, सरपंच से, वह अब तक कितनी स्त्रियों की देह मसल चुका है, यानी जो देह मसल रहा है वह चरित्र शिरोमणि है समाज के लिए, और जिसकी देह मसली जा रही है वह लांछित हो रही है। यह पीड़ा महेंद्र कुसरेले जी के साहित्य में प्रखर रूप से देखने को मिलती है। यहाँ मैं उनके दो उपन्यास, सिर्फ दो उपन्यासों की चर्चा करूंगी, उनके सारे उपन्यासों की चर्चा करने में समय ज्यादा हो जाएगा, और जो कहा जाता है ना कि चावल के एक दाने को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितनी स्वादिष्ट है, तो इसलिए मैं सिर्फ दो उपन्यासों की यहाँ चर्चा करना उचित समझती हूँ। एक उपन्यास है उनका कच्ची ईंट पागुल तेरी ना देखो, तो तेरी में इसका नाम रखा है उन्होंने कच्ची ईंट पागुल तेरी ना देखो, बहुत ही स्पष्ट है, आप सभी इसका अर्थ जानते हैं, लेकिन जो इसके अर्थ के अंदर की कथा है, अर्थ के की अंतर कथा जिसको कहना चाहिए, या जो इसका मर्म है वो उपन्यास को पढ़ने के बाद ही सामने आता है। ये उपन्यास काम वाली बाइयों पर केंद्रित है, वो काम वाली बाइयां जो हमारे समाज में हमारे परिवारों के बीच धमनियों की तरह मौजूद है, सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य का